बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रियाबी किचन। आई हैव ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल एट होम, सो विद दीज इंग्रेडिएंट्स आई एम गोइंग टू मेक वेजिटेबल राइस विद चिकन टिक्का एंड सैलड। एक बहुत नाइस सा प्लेटर रेडी करते हैं, तो आप साथ साथ इंग्रेडिएंट्स नोट करते जाएं। बोनलेस चिकन मेरे पास है 1/2 kg। इसमें 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी योगर्ट, साथ हम ऐड कर देंगे चिकन टिक्का मसाला। ये कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी हो सकता है। सॉल्ट मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून। इसके साथ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून। मुझे बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करने, बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाने लगी हूँ, सो इनको अब हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इनको तकरीबन 1/2 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके साथ हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं और हम अपने जो है वेजिटेबल राइस रेडी कर लेते हैं क्विकली। वेजिटेबल राइस बनाने के लिए राइस मैंने 2 कप्स लिए हैं, स्मॉल वंस, और उनको मैंने सोक कर दिया हुआ है ऑलमोस्ट 1/2 आवर के लिए। आप राइस सोक रहने दें और उसके बाद अब ये जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं इसमें, राइस में जाएंगी हमारे पास बेल पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मुझे उसमें चाहिए पीस और कैरेट्स। बस इन इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं वेजिटेबल राइस बनाने लगी हूँ। वेजिटेबल्स की मैंने कटिंग कर ली है, कैप्सिकम तकरीबन 1 1/2 रेड 1/2 ग्रीन, थोड़ी सी मेरे पास येलो थी वो भी मैंने कट कर ली है। कैरेट्स मैंने 1 बिग 1 साइज में थी, दैट्स इनफ। 1 कप 1/4 कप ऑलमोस्ट मैंने पीस ले लिए हैं, ग्रीन चिलीज थोड़ी सी कट कर ली हैं, और इसके साथ पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। राइस में पहले बॉयल करूँगी और उसके बाद फिर वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। साथ मुझे चाहिए सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून और विनीगर 1 टेबल स्पून। साथ मेरे पास सैलड का सामान पड़ा है और इसके साथ हम रेडी करेंगे ग्रीन चटनी। वाटर को बॉयल आ गया है, इसमें हम राइस ऐड कर देते हैं और इनको तकरीबन 99% बॉयल कर लेते हैं। सॉल्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है। इसमें ग्रीन चटनी के लिए मैंने ले लिया है सॉल्ट, सॉल्ट मुझे चाहिए। साथ मेन टन कोरिएंडर का बंच ले लिया है, साथ मैंने 12 to 15 और जितनी आपको चाह दिल चाहे आप ऐड कर सकते हैं। साथ हम इसमें सॉल्ट ऐड करके इनको थोड़ा सा वाटर ऐड करके ग्राइंड कर लेते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सॉल्ट ऐड कर दें क्योंकि ये योगर्ट में जाएगा, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और बाकी की हम सेव कर लेंगे, दोबारा से टुमारो योगर्ट में ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी हुई है, बस अच्छे से मिक्स कर लें तो ग्रीन चटनी हो जाएगी रेडी। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे क्यूमन सीड्स 1 टेबलस्पून, साथ ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 मिनट सॉटे करने के बाद इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और साथ ही मैं 1 टेबल स्पून इसमें विनीगर ऐड करूंगी। सोया सॉस इसके साथ 1 टीस्पून, सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। इनका पानी ड्राई हो चुका है, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन पड़ा हुआ है, ये मैं ऐड कर दूंगी। इसमें हमारे पास जो बॉइल्ड राइस हैं वो अब हम इसमें ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिक्का कुक हो रहा है, इसके साथ मैंने एक चारकोल लेके इसको मैं फायर पे रख दूंगी और इसको अच्छे से बर्न कर लूंगी। इसको बहुत अच्छे से बर्न करना है। टिक्का को मैंने तकरीबन 10 to 12 मिनट्स के लिए कुक किया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब हम एक फॉइल ले लेते हैं, उसको इस तरह से फोल्ड करके मैं इसको मिडल में रख दूंगी। चारकोल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और मैं इसको उठाकर नाइसली इसके ऊपर रख देती हूँ। और साथ मैंने ले लिया है घी, बटर जो है देसी घी जिसको बोलते हैं, और इसको मैं अब लिड लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए।
ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। Our chicken tikka with vegetable rice, salad and green chutney is looking so beautiful. खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. Hopefully आपको मेरा आज का platter अच्छा लगा होगा. बहुत yummy सा dinner है. Try कीजिएगा और मुझे comment section में अपना please feedback दीजिएगा. मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो इसको subscribe करें. मेरी video को ज़्यादा से ज़्यादा share करें. इसको like करें. दुआओं में याद रखिएगा. मिलती हूँ next recipe के साथ, किसी अच्छे से platter के साथ और किसी अच्छे से dinner menu के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.